मनाली रोड पर रात के समय एक कार बर्फबारी के बीच सड़क को चीरती हुई चली जा रही थी। अर्जुन बहुत ही सावधानी पूर्वक ड्राइविंग कर रहा था, तभी उसके कानों में उसकी सीट के बगल में बैठे हुए उसके दोस्त आर्यन की आवाज टकराई। मौसम हमारी उम्मीद से ज्यादा ही खराब हो गया है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस कार को बीच रास्ते में रोक दूं, तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। अर्जुन की बात सुनकर पीछे बैठी उसकी पत्नी दिशा घबराए हुए अंदाज में बोली, मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई होटल या गेस्ट हाउस नजर नहीं आ रहा। सही कहा भाभी, अगर यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है तो वो भयानक पेड़, उन पेड़ों पर जमी हुई मोटी मोटी बर्फ और भयानक जंगल। मेरे दोस्त, ये पेड़ दिन में बहुत सुंदर दिखते हैं, पर्यटक काफी दूर से सिर्फ इन्हें ही देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब बस भी करो अर्जुन, निधि बहुत ज्यादा डरी हुई है, उस बेचारी की तो नींद भी उड़ चुकी है। निधि अर्जुन और दिशा की 15 वर्षीय बेटी थी, जो डरे हुए अंदाज में बोली, पापा मेरा तो ये सोचकर दिल कांपा जा रहा है कि अगर हमारी कार बीच रास्ते में ही कहीं खराब हो गई तो हमारा क्या होगा। चुप करो निधि, कितनी बार कहा है कि अपने मुंह से शुभ शुभ बातें निकाला करो। रहने दो भाभी, निधि अभी छोटी है, उसका डरना स्वाभाविक है। मुझे तो इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, अगर सुबह के समय हम सब चलते तो अब तक पहुँच भी गए होते। अब बस भी करो दिशा, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैंने ये शॉर्टकट रास्ता लिया है, और तुम्हें मैंने बताया भी था कि इस रास्ते से हमें 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अब मुझे अपने फैसले पर न जाने क्यों पछतावा हो रहा है। दरअसल अर्जुन अपने परिवार के साथ मनाली एक बिजनेस ट्रिप के लिए आया था। इस ट्रिप में उसका दोस्त आर्यन भी था, मगर मनाली से कुछ ही दूर उन सबको एक बहुत भारी ट्रैफिक मिल गया। अर्जुन एक दूसरा रास्ता भी जानता था, दिशा के कहने पे ही अर्जुन ने ये दूसरा रास्ता चुना था। वैसे मनाली पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा, हमें इस रास्ते से चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति कार के सामने आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने एक मोटी काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी और उसकी आंखें अजीब से अंदाज में चमक रही थीं। अर्जुन तुरंत अपनी कार के बाहर निकलकर गुस्से से उस व्यक्ति से बोला, अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं लगाता तो अब तक तुम नर्क में पहुंच गए होते। अर्जुन की बात सुनकर वो अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति भारी आवाज में बोला, तुम्हारी गाड़ी पंचर हुई है साहब, मैंने अपने कानों से तुम्हारी कार के दोनों टायरों के फटने की आवाज सुनी। उस व्यक्ति की बात सुनकर अर्जुन ने जैसे ही कार के टायरों को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने देखा कि उसकी कार की दोनों टायरें बुरी तरह से पंचर हो चुकी थी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, मेरे पास तो एक ही टायर पड़ा है, और इतनी रात में यहाँ कोई इंसान तो नजर आ नहीं रहा, मैकेनिक क्या खाक मिलेगा। घबराओ मत साहब, वो सामने देख रहे हो, वहाँ एक छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव में तुम्हें कोई होटल या गेस्ट हाउस तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ एक धर्मशाला है, तुम चाहो तो अपने परिवार के साथ वहां पर रात बिता सकते हो। अर्जुन उस व्यक्ति से कुछ बोलता कि तभी पीछे से उसके कानों में आर्यन की आवाज टकराई। क्या हुआ यार, क्या प्रॉब्लम आ गई, और तू किससे बातें कर रहा है? अर्जुन पीछे की ओर पलटा तो वहां आर्यन खड़ा था और उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। अर्जुन आर्यन को उस अजीब से व्यक्ति को दिखाने लगा, मगर ये देखकर उसके आश्चर्य होने का ठिकाना नहीं रहा जब वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। क्या हुआ, किसे देख रहे हो? कार के सामने अचानक एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति आ गया, मैंने कार के ब्रेक दबा दिए, मगर उसने बताया कि कार के दोनों टायर फट गए हैं। अर्जुन की बात सुनकर आर्यन ने कार के टायरों पर जैसे ही नजर डाली तो माथे पर चिंता की लकीरें छलकने लगी। कार के तो दोनों टायर पंचर हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन कार अचानक रुकी थी और हम सबने देखा था कि बाहर तू अकेला बातें कर रहा था। तभी अर्जुन की पत्नी दिशा भी कार से बाहर निकलकर बोली, आर्यन सही कह रहा है अर्जुन, तो
तुम अकेले बातें कर रहे थे। गांव तो हम सबको दिखाई दे रहा है अर्जुन, लेकिन एक भी व्यक्ति हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल तो हम सब इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, हमें अब रात गांव में ही गुजारनी पड़ेगी। कुछ ही देर में वो सब उस गांव के अंदर खड़े थे जहां पर अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। इस गांव को देखकर तो ऐसा लगता है मानो कि यहां पर कोई रहता ही ना हो। चारों ओर भयंकर बर्फबारी हो रही है, सर्दी अपनी चरम सीमा पर है। तुम्हें क्या लगता है गांव के लोग बाहर निकलकर आधी रात के समय क्रिकेट खेलेंगे? तभी आर्यन की नजर गांव के एक ढाबे पर पड़ी। उसने देखा कि उस ढाबे के बाहर आग जल रही थी। वो देख यार, लगता है उस ढाबे पर कोई व्यक्ति मौजूद है और वहां पर आग भी जल रही है। मुझे लगता है हम सभी लोगों को वहां पर जाना चाहिए। आर्यन अर्जुन दिशा और निधि को लेकर उस ढाबे के नजदीक पहुंच गया। ढाबे पर एक व्यक्ति अलाव जलाकर आग से हाथ ताप रहा था। तुम सब लोग कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी कार बीच रास्ते में खराब हो गई है, वैसे आप कौन है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ साहब। गांव की देखभाल करने के लिए मुझे अक्सर इस ढाबे पर रात में जागना होता है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, गांव के हाईवे पर अक्सर दोनों कारों के टायर फट जाते हैं। मुखिया जी, क्या इस समय यहाँ पर कोई मैकेनिक मिल सकता है? आधी रात का समय है बेटा, इस समय तुम्हें कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो क्या यहाँ पर कोई होटल या रेस्टोरेंट? यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस या होटल नहीं है। हाँ, तुम्हें यहाँ पर एक सराय जरूर मिल सकती है जहाँ तुम रात काट सकते हो। सामने जो छोटी सी गली दिखाई दे रही है ना, तुम उस गली के अंदर चले जाओ, वहां पर तुम्हें सराय दिख जाएगी। मुखिया के कहने पर वो चारों धीरे धीरे कदमों से उस गली के अंदर चले गए। उस गली के अंदर सारे के सारे मकान उजाड़ और वीरान पड़े हुए थे, मानो कि वहां पर कई वर्षों से कोई रहता ही ना हो। तभी आर्यन की नजर उसी गली में एक बहुत पुरानी इमारत पर पड़ी जिसके बाहर लिखा हुआ था मखना सराय। पता नहीं क्यों, लेकिन वो सराय अर्जुन और आर्यन को काफी ज्यादा जानी पहचानी लगी। अजीब बात है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो भी हो, अब जल्दी से अंदर चलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो चारों सराय के अंदर चले गए। उन चारों ने अंदर कदम रखा ही था कि तभी सराय का मुख्य दरवाजा एक तेज हवा के साथ अचानक बंद हो गया। दरवाजे के अचानक बंद हो जाने से वो चारों बुरी तरह से घबरा गए। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? घबराओ मत भाभी, हो सकता है कि तेज हवा के झोंके से ये दरवाजा बंद हो गया हो, मैं अभी इसे खोलता हूँ। इतना कहकर आर्यन उस दरवाजे को पूरी ताकत लगाकर खोलने लगा, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आर्यन के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी और दिशा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा दिल भी यही कह रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। निधि ने इतना कहा ही था कि तभी किसी के कदमों की आहट उन चारों के कानों में टकराई और चारों ने देखा कि सीढ़ियों से कोई स्त्री उतरती हुई उन्हीं के पास आ रही थी। कुछ ही देर में वो स्त्री उन सबके सामने आकर खड़ी हो गई। उस स्त्री को देखकर उन सबकी आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गईं। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि दिशा की हूबहू हमशक्ल थी। कौन हो तुम? ठीक से देखो दिशा, मैं भी दिशा ही हूँ। क्या मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे से अलग है? इतना कहकर अचानक दिशा की हमशक्ल एक दूसरे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। उस व्यक्ति को देखकर अर्जुन और आर्यन की आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गई। मुझे याद आ गया, तुम तो मखना हो। ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके हो। हाँ, हमने तुम्हें अपने हाथों से मारा था। सही कहा तुमने, चलो तुम्हें कम से कम मेरा चेहरा तो याद है। आज से 20 साल पहले तुम दोनों यहाँ आकर ठहरे थे
और मेरी पत्नी की सुंदरता पर तुम दोनों की बुरी नजर थी। तुम दोनों ने कितनी बेरहमी से मेरी पत्नी और मुझे जान से मार दिया था और मेरी सराय को आग लगाकर भाग गए थे, याद करो। अर्जुन और आर्यन को सब कुछ याद आ गया था। वो दोनों आज से 20 साल पहले इसी सराय में ठहरे थे। उस समय उनकी गिनती बिगड़ैल लड़कों में हुआ करती थी। सराय के मालिक मकना की पत्नी की सुंदरता को देखकर वो दोनों बहक गए थे। उन दोनों ने मकना की पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और पकड़े जाने के डर से वो दोनों मकना सराय में आग लगाकर वहां से भाग गए थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या बोल रहा है ये? दिशा और निधि अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने ही वाली थी कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि उसके पैरों को किसी ने नीचे से जकड़ रखा हो। तभी मकना का चेहरा अचानक भयानक हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल अंगारों जैसी लाल हो गईं। तभी अचानक तेज धमाके के साथ निधि के चेहरे के परखच्चे उड़ गए। इसने हमारी बेटी को मार डाला अर्जुन। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? आखिर मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतना कहकर अर्जुन अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस भयानक दिखने वाले व्यक्ति के पास दौड़ा चला आया। ऐसे ही तुमने मेरी पत्नी को मारा था ना? अचानक दिशा का शरीर हवा में उड़ते हुए शीशे की खिड़की से पूरी तरह से टकराया। दिशा चीखती हुई सराय के बाहर की ओर गिर पड़ी। अचानक एक तेज धमाके के साथ अर्जुन और आर्यन के चेहरे के परखच्चे उड़ गए और सन्नाटा छा गया। अगले सुबह जब दिशा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास बहुत से गांव वाले उसे घेरे हुए थे। उन गांव वालों में वो मुखिया भी था जो उन्हें कल रात ढाबे पर मिला था। कौन हो तुम? इस गांव की तो नहीं लगती। मुखिया जी, कल रात ही तो आप मुझसे और मेरे परिवार वालों से मिले थे और आपने ही मुझे सराय के अंदर जाने के लिए कहा था, और अब आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? आपने मुझे सराय में क्यों भेजा? वहाँ एक मखना भूत और एक चुड़ैल का साया है। उसने मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी को मार डाला। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे कब मिला? उस सामने, उस ढाबे पर। जरा ठीक से देखो, वहाँ तुम्हें कौन सा ढाबा नजर आ रहा है? दिशा ने जैसे ही नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वहाँ पर ढाबे का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। वो सराय तो 20 साल से बंद पड़ा है बेटी। 20 साल पहले उस सराय को मखना नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ चलाया करता था। कहते हैं कि मखना की पत्नी बहुत सुंदर थी। एक रात अचानक सराय में आग लग गई। मखना और उसकी पत्नी जलकर राख हो गए। उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। तब से गांव के लोग उस सराय के आसपास जाने से भी घबराते हैं। कहते हैं कि मखना अपनी पत्नी के साथ आज भी सराय के आसपास ही टहलता रहता है। मुखिया की बात सुनकर दिशा को सब समझ आ गया कि जो गलती बरसों पहले उसके पति और उसके दोस्त ने की थी, उसका बदला मखना ने उसकी बेटी और उसके पति को मार कर ले लिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज महक को बार बार सुनाई दे रही थी। दस्तक खिड़की के कांच पर नहीं बल्कि महक के कानों पर हो रही थी। महक इस ठक ठक से इतनी ज्यादा बेचैन हो गई कि उसने आंखें खोल ली, मगर खिड़की की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति का स्वर गूंजा, कैसी हो मेरी स्वीट महक? महक ने हड़बड़ाकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन खिड़की में खुद को खड़ा देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा उसकी हमशक्ल जोर जोर से खिड़की के कांच पर अपना हाथ मार रही थी। डर से महक का गला सूख गया। तभी महक ने खिड़की के पास खड़ी अपनी ही हमशक्ल के पीछे एक विशाल आकृति को देखा जिसकी हंसी बहुत ही भयावह थी। अचानक उसने उसकी हमशक्ल को दबोच लिया, उसके गर्दन में अपने लंबे लंबे दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। तभी वो भयावह आकृति महक की ओर देखने लगी। महक बुरी तरह घबरा गई
और उठकर बैठ गई। वो सपना देख रही थी। उसके पति अनंत की भी आंख खुल गई। क्या हुआ महक, तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनंत, मैंने फिर वही सपना देखा। मुझे समझ में नहीं आता मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है। कितनी बार कहा है महक कि सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। तुम भी यार जरा जरा सी बात पर डर जाती हो। नहीं अनंत, एक सपना एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। और ये सपना मुझे कई बार दिखाई दे चुका है। महक की बात पर अनंत हंसते हुए बोला, और उस सपने में तुम उस खिड़की के बाहर खड़ी हो और तुम्हारे पीछे एक भयानक परछाई है जिसकी आकृति छिपकली जैसी है। कम ऑन महक, तुम्हारे सपने के बारे में सुन सुन कर मैं थक चुका हूँ। लेकिन मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है अनंत? अब इस बारे में मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, इस बारे में कल किसी पंडित से पूछ लेना। हाँ, फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि सो जाओ, सुबह मुझे जल्दी उठना है। इतना कहकर अनंत सो गया, मगर महक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। महक की शादी को 6 महीने ही हुए थे। अनंत एक बिजनेसमैन था। शादी के बाद वो महक को लेकर अपने पुराने बंगले पर आ गया था, मगर इस बंगले में आने के कुछ दिनों बाद महक को यह सपना बार बार आने लगा। बेड पर बैठे बैठे महक की आंख लग गई। सुबह अनंत के ऑफिस जाते ही महक पास वाले मंदिर के पुजारी के पास चली गई। पंडित जी, मैं अपनी एक समस्या लेकर आपके पास आई हूँ। बोलो बेटे, क्या समस्या है तुम्हारी? पंडित जी, कुछ महीनों से लगातार मुझे एक ही सपना बार बार आ रहा है। कैसा सपना? महक ने एक ही सांस में अपने सपने के बारे में पंडित को सब बता दिया। सपने के बारे में सुनकर पंडित बुरी तरह से चौंक गया और वो महक की ओर देखकर बोला, तुम रहती कहाँ हो? इस मंदिर से थोड़ी दूर जो एक पुराना बंगला बना है ना, अनंत पैलेस के नाम से, मैं वहीं पर रहती हूँ। कुछ महीने पहले ही अपने पति के साथ मैं वहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। और सच तो ये है पंडित जी कि मैं जब से उस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ ना, तभी से मुझे ये सपना बार बार आ रहा है। महक की बात सुनकर पंडित के माथे पर पसीना आ गया। मेरी एक सलाह मानो बेटी, उस बंगले से जितना जल्दी निकल सकती हो निकल जाओ। इस बारे में किसी से जिक्र ना करना, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। ऐसा क्या है उस बंगले में? उस बंगले में मौत के तांडव के अलावा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो बंगला एक शैतान नुमा इंसान का है, बल्कि उसे दरिंदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतना कहकर पंडित वहाँ से चला गया। मैं घबराती हुई घर आ गई और शाम का इंतजार करने लगी। शाम को अनंत के आते ही महक ने ना चाहते हुए भी पंडित के द्वारा बताई हुई सारी बातें अनंत को बताई। महक की बात सुनकर अनंत हंसते हुए बोला, कल रात तो मैंने सिर्फ मजाक में पंडित के पास जाने के लिए बोल दिया था और तुम सच में चली गई। महक, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। मुझे उस पंडित की बातों में सच्चाई लग रही है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे आज तक कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। आज रात मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं अकेली नहीं रह सकती अनंत। मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी दोस्त निधि को यहाँ बुला लो, कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अनंत तैयार होकर वहाँ से निकल गया। महक ने अपने दोस्त निधि को फोन करके रात में रुकने के लिए अपने बंगले में बुला लिया। अचानक आधी रात को महक को अपने बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। महक तुरंत उठकर बैठ गई। महक के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे खिड़की की बजाय दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी थी। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी हुई घड़ी पर चली गई। उसने देखा रात के 3 बज रहे थे। तभी उसके कानों में अनंत की आवाज टकराई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ महक। महक अपनी आंखों को मसल कर इधर उधर देखने लगी कि कहीं वो फिर से तो सपना नहीं देख रही। लेकिन उसके कानों में फिर से अनंत की आवाज टकराई, दरवाजा खोलो महक। महक को अब यकीन आ गया था कि वो सपना नहीं बल्कि सच था। उसने देखा कि उसकी दोस्त निधि गहरी नींद में सो रही थी। महक ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अनंत का चेहरा बेहद भयानक, काला
और छिपकली जैसा था, ठीक वैसा ही जैसा उसे सपने में अनंत के पीछे काली परछाई दिखाई देती थी। अनंत अपनी भयानक आंखों से महक को देखकर किसी दरिंदे की तरह हंसने लगा। महक बुरी तरह से चीखने लगी। महक के चीखने से निधि अचानक हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई, मगर सामने उस भयानक चेहरे को देखकर निधि के गले से भी जोरदार चीख निकल गई। देखते ही देखते वो दरिंदा नुमा बला बिजली की रफ्तार से निधि के करीब आ गया और उसने अपने नुकीले पंजों से एक ही झटके में निधि की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। निधि एक भयानक चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ी। ये सब देखकर महक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। महक अपना सर दीवार पर मारने लगी कि तभी उसके कानों में उस भयानक दरिंदे की भारी आवाज टकराई। सर टकराने से कोई फायदा नहीं महक, ये सपना नहीं बल्कि सच है। आवाज सुनकर महक की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पति अनंत की थी, जो वहशी मुस्कान लिए हुए महक की ओर देख रहा था। महक कपकपाती हुई बोली, कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, तुम कोई शैतानी दरिंदे हो। वो भयानक चेहरे वाला महक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने आकर महक को अपनी ओर खींच लिया। महक ने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी मंदिर का पंडित था, जिनके हाथ में एक अद्भुत त्रिशूल था। पंडित को देखकर उस दरिंदे की आंखें और ज्यादा भयानक हो गई। वही रुक जा मूर्ख, मैं जानता हूँ कि ये तेरी आखिरी शिकार है, इसके बाद तू अमर हो जाएगा और फिर खुलकर मौत का तांडव करेगा। चाहता तो मैं इस लड़की को दोपहर में ही तेरे बारे में बता देता, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। मैं जानता था कि आज अमावस की रात है और आज की रात तू इसकी बलि जरूर लेगा। तूने इस बेचारे की दोस्त को भी मार डाला, इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? पंडित की बात सुनकर महक फटी फटी आंखों से पंडित की ओर देखकर बोली, हाँ? ये सब क्या है पंडित जी? तुम्हारा पति एक शैतान है, एक दरिंदा है बेटी, वही दरिंदा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब मैं बहुत छोटा था तब भी ये जवान था, अलग अलग शहरों में जाकर अपने सुंदरता की जाल में लड़कियों को फंसाना और फिर अमावस की रात में उनकी बलि देकर उनका खून पी जाना, यही इसका काम है। आपको इसके बारे में इतना कैसे मालूम? क्योंकि मेरी बहन को भी अपने प्यार में फंसाकर इस दरिंदे ने इसी जगह मारा था, तब मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। तभी उस भयानक दरिंदे ने बिजली की रफ्तार से आकर अपने पंजे उस पंडित के सीने में गाड़ दिए। लेकिन पंडित ने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल उसके सीने में गाड़ दिया और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया।